नमस्कार दोस्तों, आइए हम चलते हैं कॉस्ट शीट के अगले क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपकी कॉस्ट शीट की समझ और ज्यादा बेहतर होगी। आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये 1 तारीख को फिनिश्ड यूनिट्स दिए हुए हैं और फिर इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो यूनिट्स हैं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये आपके अमाउंट्स हैं 57,400। फिर रॉ मटेरियल का अमाउंट है 116,200। तो फिर इसी तरह से हमें कुछ आइटम्स जो है वो साल के आखिर में दिए है 31 दिसंबर 2020 को, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल है 9,06,900 का, फिर डायरेक्ट लेबर है, फिर फ्रेट है जो कि रॉ मटेरियल पर है यानी कि भाड़ा, तो ये है हमारा 55,700। फिर इनडायरेक्ट लेबर दिया है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, रॉ मटेरियल दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, सेल्स दिए है अमाउंट में और फिर सेल्स दिए हैं यूनिट्स में, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है और फिनिश्ड यूनिट्स यहां पर दिए हैं। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा वो सॉल्यूशन फॉर्मेट के साथ, और आप देखेंगे कि जितनी भी मेरी कॉस्ट शीट की वीडियोस हैं उन सब में मैं एक ही फॉर्मेट यूज करते हुए सारे क्वेश्चन कराता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्वेश्चन में कुछ करूं, किसी क्वेश्चन में कुछ करूंगा, हमेशा एक ही फॉर्मेट में फॉलो करता हूं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये कुछ आइटम्स होते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, आपने अब तक देख लिए होंगे। सबसे पहले हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें एक मेन 3 एलिमेंट है और वो है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों हमने इसमें सर्च करने पड़ते हैं। अब इसके अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल है, जिसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये हमारे पास तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमें रॉ मटेरियल का दिया हुआ है 116,200 का। तो ये सारे ये जितने भी हैं ये ओपनिंग है, क्योंकि ये साल के शुरू में है, और ये जितने भी हैं ये सारे क्लोजिंग है, क्योंकि ये साल के आखिर में। तो ओपनिंग का रॉ मटेरियल ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद है परचेज 9,06,900 की। तो जो परचेज है वो परचेज भी चली हमारी हो गई, रॉ मटेरियल की परचेज आई, देखिए डायरेक्ट मटेरियल। फिर इसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 96,400 रुपए का, ये रहा क्लोजिंग इसका। तो इसे हम जब एडलेस कर देते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है और यहां पर लिखा भी है माइनस। तो जब इसे आप एडलेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 9,26,700। ये 9,26,700 है क्या, ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। दूसरा एलिमेंट होता है इसका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कह लीजिए या फिर वेजेस कह लीजिए। तो डायरेक्ट लेबर यहां पर ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट लेबर भी आपका आ गया 3,26,400। फिर हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर हमें यहां पर फ्रेट दिया हुआ है रॉ मटेरियल पर, तो ये भी हमने ले लिया। देखिए, ये जो फ्रेट होता है भाड़ा, तो ये रॉ मटेरियल पर भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स पर भी हो सकता है, यानी कि कच्चा माल फैक्ट्री में लेकर आए तो उसके ऊपर भाड़ा लगा, बना हुआ माल लेकर गए तो उस पर भाड़ा लगा। तो रॉ मटेरियल लाने पर जो भाड़ा लगता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और अगर बना हुआ माल लेकर जाते हैं, कैरिज आउटवर्ड जिसे बोलते हैं, फ्रेट भी कह सकते हैं, फ्रेट ऑन फिनिश गुड ऐसे भी कह सकते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो हमने ये फ्रेट ले लिया 55,700 का, और उससे ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई, देखिए 13,08,800। तो ये जो था ये फैक्ट्री का डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस वाला पार्ट पूरा हो गया।
अब हम आते हैं फैक्ट्री के इनडायरेक्ट वाले में। देखिए ये जितना भी है ये डायरेक्ट है, प्राइम कॉस्ट तक का जितना भी होता है तो ये सारा का सारा डायरेक्ट होता है। बस ये प्राइम कॉस्ट तक का, इसके बाद जितना भी ये सारा इनडायरेक्ट ही है, ठीक है जी। तो जो फैक्ट्री का है उसको भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, फैक्ट्री का डायरेक्ट और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट, और वैसे भी ये सारा इनडायरेक्ट ही है आगे चल के। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें यहां पर 652,800 के दिए हुए हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास कहां पर है यहां, तो ये जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है ये हमारा किस तरीके से बनेगा, यहां पर हमें देखना होगा कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स है। जैसे कि एक तो हमारे पास ये है फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट लेबर का, फिर अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये भी है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ये भी हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो उससे हमारा बनेगा 652,000 रुपए। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, ये वाले ये तीन अगर मैं जोड़ दूं तो 1 to 1 600 और 317 300 और 213 900। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखिए मेरा क्या बनेगा, ₹652,800। तो ये जो है ये आपके क्या हो गए, ये आ गए आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स इन तीनों को जोड़ के। तो अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आप चाहे तो ये तीनों के तीनों यहां पर इंडिविजुअली लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखे हैं। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा था तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ ऐसे करके लिख दिया। आप चाहे तो आप ये तीनों के तीनों आइटम्स आप यहाँ पर 1 by 1 लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने क्या, फिर हमने इसके अंदर क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक मिलेगा यहां से, वर्क इन प्रोग्रेस ये रहा, तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, जो भी मैंने आपको फॉर्मेट वाली वीडियो में बता रखा है। तो वो आ गया, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास ये आ गया, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमने ऐड किया, ये हमने लेस किया क्योंकि ब्रैकेट में है, और तो उससे हमें अमाउंट मिल गया ये। फिर इसको और इस अमाउंट को जोड़ के हमें मिल जाती है वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए हमारा फैक्ट्री तक का काम खत्म हो गया। फैक्ट्री के बाद बारी आती है ऑफिस की, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। लेकिन ऑफिस का इसके अंदर कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा नील। और इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमें बनती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो सेम आ जाएगी। फिर हम इसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश वुड। फिनिश वुड हमें पता होना चाहिए कितने हैं, और इसका क्लोजिंग स्टॉक भी हमें पता होना चाहिए कितना है। तो फिनिश वुड अगर हम देखें तो देखिए फिनिश वुड का हमारे पास ही क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये 15,000 यूनिट आ गए, और फिनिश वुड का ये ओपनिंग भी दिया हुआ है 5,000 यूनिट, तो ये 5,000 यूनिट गया। तो हमारा ये 5,000 भी हो गया और ये 15,000 भी हो गया। अब बारी आती है रेट कौन सा होता है। ये जो रेट होता है दोस्तों ये होता है कॉस्ट पर यूनिट का। कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, प्रोडक्ट को बनाने के जरिए है, प्रोडक्ट को बनाने के जरिए भी खर्चा आपका आया है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, पूरे साल में आपने जितना माल बनाया हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो देखिए 1940,800 ये रही, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये क्वेश्चन में आपके आपको मिल गया, वो तो ये आ गया। फिर जो है टोटल यूनिट प्रोड्यूस ये कैसे निकलेगा, तो यहां पर भी छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है इसमें। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना माल इन्होंने बनाया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो देखिए 1.5 लाख यूनिट की तो आपकी सेल हो गई, ये रहे सेल्स यूनिट, 1.5 लाख यूनिट की आपकी सेल हो गई, ठीक है जी। फिर प्लस इसके अंदर आप कीजिए 15,000
जो कि है फिनिश गुड वाले, तो ये आपके 15,000 ही आ जाते हैं। और फिर माइनस आप करेंगे इसमें से 5,000 पिछले साल का जो बचा हुआ था वो, यानी कि इस बार का ओपनिंग 5,000। तो देखिए हमने पिछले साल वाला निकाल दिया, यानी ओपनिंग हमने निकाल दिया, तो ये जितना भी कुछ बचेगा एडलेस करके, ये बचेगा कि इस साल कितना आपने प्रोड्यूस किया है, कितना आपने बनाया है, तो उसको डिवाइड करके आपको मिलेगा 12.13। तो ये आपका रेट आ गया 1.13। तो इस पर ये अमाउंट आ गया, इसे एडलेस करके आपका ये अमाउंट आ गया, और इसको जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 18,19,500। पर ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जितना माल बिका उसकी कितनी कॉस्ट है। तो ये फिर इसके बाद आप कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दोस्तों इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नील है, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो सेम टू सेम आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट होता है, फिर सेल होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल, सेल के बाद आपको सेल लिखनी है, क्योंकि प्रॉफिट आपको निकालना है, ये होती है बैलेंसिंग फिगर। तो कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आप लिखेंगे सेल, सेल क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है आपको 30,00,000 रुपए, तो वो सेल आ गई है। अब 30,00,000 में से इसे माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ सेल को, तब उससे आपके पास आएगा ये प्रॉफिट, ऐसे करके। तो 30,00,000 में से आपने 18,19,500 माइनस किया, तब आपको मिलेगा प्रॉफिट 11,80,500 का। तो दोस्तों ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, आप इस तरह के क्वेश्चंस और कीजिए, आपको इस फॉर्मेट पर कई क्वेश्चंस और मिल जाएंगे इधर उधर, तो आप इस क्वेश्चन को देखते हुए भी अपने और दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अब आइए चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ।